गुड इवनिंग स्टूडेंट स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में हम सब्जेक्ट ईवीएस का लेसन 4 मैंगोज राउंड द ईयर के क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 40 को कंटिन्यू करेंगे और आप अभी से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 40 का, Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? तो आंसर है इसका बच्चों, sugar and jaggery mixed into mango pulp to prepare mamaidi tandra यानी आम पापड़ या अमावट। Second question, Why did appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the mamadi tandra? अप्पा ने पहली पसंद पके हुए आम को ही क्यों चुना? आंसर, मोस्ट रिप मैंगोज वेयर चूज बिकॉज दे कॉन्टेन मोर जूसी एंड लेस फाइबर, क्योंकि पका हुआ आम बहुत ही रसीला और बिना रेसे वाला था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम रिप एंड अनरिप मैंगो, यानी पके आम और कच्चे आम से आपके घर में क्या बनाया जाता है? तो आंसर है, पिकलेस एंड चटनी आर मेड फॉर अनरिप मैंगोज एंड आम पापड़ फ्रॉम रिप मैंगोज इन माई हाउस। मेरे घर में कच्चे आम से अचार और चटनी बनाई जाती है और पके आम से पापड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट, उसकी लिस्ट बनाइए जो अलग अलग प्रकार के अचार आपके घर में बनाए जाते हैं। आंसर, पिकल्स आर प्रिपेयर्ड विथ जिंजर मतलब गाजर, कैरेट जिंजर माने अदरक, कैरेट माने गाजर, लेमन यानी नींबू, आंवला मीन्स आंवला, चिली चिली माने मिर्च की अचार, मैंगो मैंगो का अचार और जैक फ्रूट आदि। अब लेसन सेवन एक्सपेरिमेंट विथ वाटर के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और लेसन सेवन के पेज नंबर 60 में पहला क्वेश्चन है, आइसा पुट ए प्यूफेड पूरी इन ए बाउल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोटेड? पानी से भरी बॉल में पूरी डालने पर वो क्या वो तैरी कि डूब गई? इट्स वुड फ्लोट, डूब गई। यू पुट ए स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोटेड? आंसर, स्टील प्लेट वुड फ्लोट। थर्ड क्वेश्चन, वुड द कैप, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू पुट ए वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर? द कैप ऑफ ए प्लास्टिक बॉटल फ्लोट ऑन वाटर, पेज नंबर 62 में बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपके बुक में है, इसके आंसर बस मैंने लिख दिया है। पहले में दो फिल इन द ब्लैंक है, एक में सैंक और एक में फ्लोटेड। दूसरे में तीन फिल इन द ब्लैंक भरना है, पहले वाले में फ्लोटेड, दूसरे में सैंक, तीसरे में द वेट डिस्प्लेस बाय द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। तीसरे वाले फिल इन द ब्लैंक में दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो पहले में फ्लोटेड और दूसरे में सैंक। पेज नंबर 63 के क्वेश्चन आंसर, पहला, टेक सम वाटर इन ए ग्लास, पुट ए लेमन इन इट, नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर हाफ ए स्पून एट ए टाइम, वेयर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन योर वाटर? आंसर, यस द लेमन फ्लोट ऑन वाटर,
यानी एक नींबू एक ग्लास में पानी भरे हुए ग्लास में नींबू डालिए और उसमें आधा चम्मच नमक घोलते जाइए और देखिए क्या नींबू तैरता है। तो हाँ नींबू तैरने लगता है क्योंकि पानी की सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन साल्टी वाटर बिकॉज, आंसर, बिकॉज आफ्टर एडिंग साल्ट वाटर बिकेम थिकर, नमक मिलाने से पानी मोटा यानी सांद्र हो जाता है। पेज नंबर 64 के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे बच्चों, कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कुड यू सी द साल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व्ड इन वाटर, इफ नो वे, आंसर नो, बिकॉज साल्ट गॉट डिजॉल्व इन वाटर। बोल रहा है कि पानी में नमक घुलने पर क्या वो पूरी तरह घुल जाता है तो दिखाई देता है, तो नहीं, वो पानी में पूरी तरह घुलने से दिखाई नहीं देता। डज दैट मीन्स दैट द वाटर डज नॉट हैव साल्ट, इफ इट हैज देन वेयर इज द साल्ट, आंसर, साल्ट इज कंप्लीटली मिक्सड अप इन द वाटर एंड कैन नॉट बी सी, पानी में नमक पूरी तरह घुल जाने से वो दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन वाटर विथ साल्ट एंड वाटर चाल्क पाउडर आफ्टर कीपिंग फ्रॉम सम टाइम, आप पानी में नमक घोल रहे हैं एक में और एक में चाक का पाउडर, तो क्या होगा, क्या डिफरेंस है। वाटर एंड साल्ट गोट मिक्स्ड विल चाक पाउडर सेटल्ड डाउन, नमक और पानी पूरी तरह घुल जाता है परंतु चाक पाउडर नीचे बैठ जाता है। पेज नंबर 65 का फर्स्ट क्वेश्चन, थिंक वेयर डिड द वाटर गो, द वाटर एवेपोरेटेड, पानी गर्म करने से कहाँ चला गया, तो इसका आंसर है कि पानी भाप में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट यू हाउस व्हाट थिंग आर मेड बाय ड्राइंग द सन, आप धूप में अपने घरों में क्या क्या चीजों को सुखाते हैं, आंसर, पापर बड़ी एंड पोटैटो चिप्स। इस तरह से आज के क्लास आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। ये क्वेश्चन आंसर के समरी की पिक मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड की है, इसे आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, लेसन 4 का क्वेश्चन आंसर और लेसन 7 का क्वेश्चन आंसर। ओके, टेक केयर।